नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में दो खबर है। एक तो किल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की काफ़ी ज़बरदस्त रिव्यूज मिले हैं और जो लक्ष्य की जो एक्शन है बहुत ही खतरनाक है, लोगों को पसंद आई है फिल्म। लेकिन कलेक्शन में कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, 1.35 करोड़ का है। मॉर्निंग शो बहुत ही कम थिएटर ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून शो और इवनिंग शो ने ग्रो किया और काफ़ी अच्छा कलेक्शन पिकअप करने में सफल रहे। लिमिटेड सीट्स पर फिल्म को रिलीज किया गया, करीब 1000 स्क्रीन पर, तो ठीक है। ये कलेक्शन पर दिन के हिसाब से मैं ठीक मानूंगा इसको, हालांकि उम्मीदें ज़्यादा थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंट मूवी है एनिमल की तरह, तो और ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आ सकता था। जहाँ तक बात करें दोस्तों आज की, मतलब कि शनिवार की, तो करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपये का कलेक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करने वाली है, फिलहाल यही प्रेडिक्शन आ रहा है। और कल संडे को फिल्म का काफ़ी अच्छा मतलब है कलेक्शन आ सकता है, करीब करीब मुझे लगता है कि फिल्म 3.5 करोड़ 4 करोड़ तक संडे को कलेक्शन कर सकती है। हालांकि इसके सामने कल की है और कल की समय सुनामी चल रही है, तो इसके सामने टिकना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन फिल्म को काफ़ी रिव्यूज मिले, अच्छे रिव्यूज मिले, एक्शन ज़बरदस्त है, तो फिल्म अच्छा कर सकती है मुझे ऐसा लगता है। और लक्ष्य छा गए हैं ज़बरदस्त एक्शन करके। और दोस्तों एक खबर दे दूँ आपको, औरों में कहा दम था कि ऑफिशियल रिलीज डेट कन्फर्म कर दी गई है। अब ये फिल्म 2 अगस्त को आएगी, 2 अगस्त को इसका फाइनल कर दिया गया है कि 2 अगस्त को रिलीज करेंगे। पहले ये फिल्म 5 जुलाई को रिलीज हो रही थी, लेकिन कल की धुआंधार सफलता को देखते हुए, कल की सुनामी को देखते हुए फिल्म को रिलीज डेट पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब कंफर्म कर दिया कि 2 तारीख को फिल्म को रिलीज किया जाएगा। इस डिसीजन को आप कैसा मानते हैं? मुझे तो लगता है कि फिल्म को रिलीज कर देनी चाहिए थी 5 जुलाई को, क्योंकि कई बार फिल्म चल जाती है, उम्मीद नहीं करती, वो फिल्म भी चल जाती है मतलब। लेकिन खैर जो भी उन्होंने सोचा है ठीक है, 2 अगस्त को देखते हैं अभी फिल्म की हाइप कितनी बन पाती है, नहीं बन पाती है। फिलहाल तो ज़्यादा हाइप नहीं बनी थी अभी तक, तो ये भी मास महाराजा के प्रशंसकों को देखना होगा कि वो इस फिल्म को किस प्रकार से लेते हैं। उस तरह की फिल्म नहीं है आजकल की टाइप की, एक रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी है। देखते हैं लोग अजय देवगन तब्बू की ये रोमांटिक लव स्टोरी कितनी पसंद करते हैं। जैसे मुझे